नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इसमें सीटेट पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के अंतर्गत बाल विकास एवं पेडागोजी यानी साइकोलॉजी के प्रश्नों को लेकर आई हूं। मेरे साथ अभ्यास कीजिए। मेरे उत्तर बताने से पहले अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रश्न इस प्रकार है। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? ए बाह्य कारक, बी विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, सी लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। प्रश्न दो, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? ए सामाजिक, बी वंशानुगत, सी मानसिक, डी शारीरिक। इसका सही उत्तर है ए सामाजिक। प्रश्न तीन, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? ए 6 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 12 वर्ष। इसका सही उत्तर है 10 वर्ष। प्रश्न चार, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर नहीं है? ए राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, बी सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, सी शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। प्रश्न पांच, बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? ए बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, बी बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, सी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, डी बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। इसका सही उत्तर है बी, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। प्रश्न छह, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ए कूदना, बी लिखना, सी दौड़ना, डी चढ़ना। इसका सही उत्तर है बी लिखना। प्रश्न सात, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए डेविड वेस्लर, बी चार्ल्स डार्विन, सी रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, डी अल्फ्रेड बिने। इसका सही उत्तर है डी अल्फ्रेड बिने। प्रश्न आठ, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या क्या करना चाहिए? ए उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, बी अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, सी सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, डी सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। इसका सही उत्तर है डी
सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न 9। दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? ए अति सामान्यकरण, बी विकासात्मक, सी सरलीकरण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी विकासात्मक। प्रश्न 10। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? ए संगति की आवश्यकता, बी प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, सी भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, डी नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। इसका सही उत्तर है डी नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। इस वीडियो को लाइक करें, इसमें कमेंट करें और फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।